मैं में नौकरी करता था और 2011 से हम बहुत ही ज्यादा परेशान थे, मतलब एक जैसे मेंटल डिसऑर्डर हो गए थे हम, जैसे कि पागलपन की हालत होती है। कैंप से बाहर जाते थे, बहुत दवाई किया गया, जो काफी हॉस्पिटल जो है मेंटल हॉस्पिटल उसमें इलाज चला, लास्ट में जाके 10-12 साल के बाद फौज निकाल दिया हमको, पेंशन देके, और हम बहुत परेशान रहे और यहाँ आके हम ठीक हुए हैं और आज हम रिफाइनरी में नौकरी कर रहे हैं और पेंशन से भी पैसा आ रहा है, घर से भी आ रहा है, थोड़ा कर्ज से परेशान है लेकिन हम बहुत ठीक हो गए हैं यहाँ आके, बहुत बढ़िया हो गए। दीपक कुमार, दीपक कुमार नाम है भाई जी को, घर घर लाखों घर हुआ, लाखों लाखों घर हुआ और भाई अपना तो पूरा बोल दिए कि मथा कामने के फर्स्ट बार आए तो उस वक्त बोलते थे मेरे साथ में हम प्रार्थना करने के लिए नजदीक आए तो चिकाए मारने लगे कि मैं महादेव हूँ, मैं महादेव हूँ, मैं बोला कि तू कुछ भी हो लेकिन इस बच्चे को शरीर से तू निकल जा, मैं यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। उसी दिन परमेश्वर ने इस भाई को शरीर में टच किए पवित्र आत्मा और जो पागलपन वाली आत्मा था, गलत बोलने वाली आत्मा था, परमेश्वर ने निकाल दिया और आपके सामने में भाई सुंदर शरीर लेकर पिता का महिमा करते हैं। मैं उस महान पिता यीशु को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे भाई को परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया, सुंदर जिंदगी पिता दिए हैं और जीवन भर पिता इनको रक्षा करे, यीशु के नाम से, आमीन।